वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आपने अपना सीएसआईआर नीट जून 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, देख भी लिया होगा कि आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है। और अब दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ये जो परसेंटाइल दे रखा है स्कोर कार्ड पे, कहीं पे भी आपको ना ही रैंक मेंशन होता है, ना ही आपको ये लिखा होता है कि हाँ आप एलएस या जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है। उसमें सिर्फ आपको हर एक सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, और इसके बाद आपका जो ऑप्टेंड मार्क्स है वो आपको दिया रहता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है इस बार के नेट जून एलएस और जेआरएफ के लिए, और ये जो डिस्कशन होगा प्रीवियस जो हमारे कट ऑफ रिजल्ट गए हुए हैं उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। हालांकि इस बार जैसा कि यूजीसी ने चेंजेस किया हुआ है, जो रिजल्ट होगा वो तीन कैटेगरी में आएगा, लेकिन जिसमें कि एक जेआरएफ की कैटेगरी होगी, एक नेट एलएस की कैटेगरी होगा, और एक सिर्फ होगा जिनके लिए जो लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और उनके उनका बेसिस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बार के एग्ज़ाम्स का जो प्रीवियस कट ऑफ है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखें तो आपको जो स्लाइड है ये वाला जो आपको अभी यहाँ पे कट ऑफ दिख रहा है वो दिसंबर 22 का और जून 23 का, दोनों का जो मर्ज वाली साइकिल थी वो वाले टाइम का आपका रिजल्ट है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लाइफ साइंस अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये आपका लाइफ साइंस है, ये वाली पूरी की पूरी कॉलम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा जेआरएफ के लिए है, सॉरी नेट के लिए है, और ये आपका एलएस के लिए है, ये आपका जेआरएफ के लिए है, राइट। तो लाइफ साइंस में यूआर कैटेगरी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 98.99 कट ऑफ गई हुई है जेआरएफ के लिए, और 97.07 गया हुआ ईडब्ल्यूएस के लिए, 96.4 समथिंग गया हुआ है आपका ओबीसी के लिए, और 91.9 आपका गया हुआ है एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 86.13 गया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दिसंबर 2023 का भी अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो दिसंबर 2023 में भी आपको समवॉट ऐसे ही देखने को मिलता है, कुछ परसेंट का वेरिएशन होता है। यहाँ पे 98.99 था, दैट मीन्स 99 ही है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा हुआ मेरा, दैट इज़ 99.17, मतलब ई डब्ल्यू एस का और पी सी का सेम गया था, और जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 92 है। अगर इससे कंपेयर करेंगे, मतलब दिसंबर 2022 और जून 2023 का जो मर्ज वाली साइकिल थी उस साइकिल में कट ऑफ थोड़ी सी लो गई थी एज कम्पेयर टू दिसंबर 2023 वाले में। अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये आपका जो एग्ज़ाम, ये जो आपका है दैट इज़ जून 2021 वाले का है, मतलब और इससे पहले पीछे का, और जून 2021 में अगर आप यहाँ पे लाइफ साइंस में कट ऑफ देखेंगे तो 98.7, 96.06, 96.02, इस तरीके से आपको यहाँ पे 90, 84, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें जून 2022 का, जून 2022 में फिर लाइफ साइंस के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 98.8 है, 96.5 है, 96.16 है, इस तरीके से अगर आप कंक्लूजन निकालें तो जितने भी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में अप्लाई किए हुए हैं फॉर्म, अगर उनका परसेंटाइल स्कोर 98 से अबव आ रहा है तो डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी बनती है उनका जेआरएफ के लिए। एलएस तो होना ही है, एलएस के लिए और भी कम गया हुआ है, 97 इस तरीके से है, 98 प्लस का मतलब हो जाता है यहाँ पे 98.9, 98.8, 98.7 इस तरीके से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, और जिनके 99 में हैं वो तो श्योर हैं कि उनको जेआरएफ आसानी से मिल जाएगा और एलएस तो कंफर्म हो ही जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर बार का जो रिपोर्ट है वो यही रिजल्ट है, वो यही बताता है कि अगर आपके 96 प्लस परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हैं 96 परसेंटाइल, तो उस कैटेगरी में आपको जेआरएफ मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और एलएस तो आपका होगा ही होगा। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा या तो हो सकता है कि आपका ओबीसी की ज़्यादा जाए या ईडब्ल्यूएस का जाए, या हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा जाए और ओबीसी का जाए, या फिर इक्वल इक्वल भी हो सकता है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सेफ साइड जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, आपका 97 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप खुद को जेआरएफ
के लिए अच्छे तरीके से श्योर हो सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए जिनके पास 99% आ रहा होगा वो JRF के लिए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे शेड्यूल मीन्स OBC कैटेगरी SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी वालों का हर बार का आप देखेंगे तो अराउंड 90 के आसपास में है। तो अगर आपके पास आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके पास अगर 91% है तो डेफिनेटली आप JRF क्वालिफाई हो सकते हैं और JRF आपका हो जाएगा। अगर 91+ से ज़्यादा है तो एकदम पूरी तरीके से क्या है आप श्योर हैं। SC कैटेगरी वालों का और भी कम है, यहाँ पे देखिए 84 है, यहाँ पे भी 84 है, तो सेफ साइड क्या होगा आपके लिए 85% अगर आपका आ रहा होगा तो आप आसानी से खुद को रिलैक्स हो सकते हैं और आपके पास JRF इस बार का हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली क्या है आपका पूरा सीन पूरा ये है कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए आपका जो कट ऑफ गया मतलब जाने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, दैट इज़ 99। अगर आपके पास 99+ में स्कोर आ रहा है तो फिर आप डेफिनेटली क्या हो रहे हैं, JRF हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। EWS के लिए और OBC कैटेगरी के लिए जो सेफ साइट है JRF के लिए वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए है दैट इज़ द 97+ अगर आपका आ रहा है तो आप भी क्या होंगे, JRF होंगे, उससे कम में होगा तो पहले से आपके पास हो सकता है। और अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ है वो मतलब सेफ साइड आपके लिए क्या होगा, दैट इज़ द 91% है। तो और अगर ST कैटेगरी वालों की बात करेंगे तो उनके लिए आपका 85% अगर आपका आ रहा होगा तो आप अपने आप को खुद को JRF के कैटेगरी में रख सकते हैं। और आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही आपका ये रिजल्ट भी क्या होगा, CSIR पब्लिश करेगा पहले कट ऑफ। अब आपका NDA काम ख़त्म हो गया, अब CSIR क्या करेगा, फाइनल कट ऑफ आपको रिलीज़ करेगा और उसी कट ऑफ के बेसिस पे फिर आपका ये स्कोर कार्ड अपडेट होगा और नीचे लिख करके आएगा कि क्वालिफाइड फॉर JRF या क्वालिफाइड फॉर द LS या क्वालिफाइड फॉर द PhD एडमिशन, इस तरीके से आपको लिख करके आएगा। तो ये स्कोर कार्ड अभी जो NTA ने रिलीज़ किया हुआ है, ये NTA का स्कोर कार्ड क्या होगा, अपडेट होगा। अपडेट कब होगा, जब आपका CSIR पहले क्या करेगा, कट ऑफ निकालेगा और कट ऑफ के बाद क्या करेगा, रिजल्ट निकालेगा। रिजल्ट निकलने के बाद आपका ये स्कोर कार्ड फिर से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। सो डियर कैंडिडेट्स, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप ये स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया है और अगर आपके मार्क्स 99% से ज़्यादा आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको JRF मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेफ साइड जो होगा 97, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 91 और ST से बिलोंग करते हैं तो 85, यही आपका बॉर्डर लाइन है। इतने अगर आपके स्कोर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज में तो फिर डेफिनेटली आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, रिजल्ट का इंतजार कीजिए, आपको JRF इस बार मिलने वाला है। सो होपफुली कि अभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप को अगर कोई डाउट है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपके परसेंटाइल आए हैं, आप अगर कमेंट सेक्शंस में मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए उसको जवाब दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।